वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड कुछ स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जिनके लिए पिछले दिनों एक 6 महीने पहले सरकार ने एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की घोषणा कर दी है। कुछ टैक्सेस को हटा दिया गया है, उसकी जगह पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा दिया गया है। तो ज़रा इस पर मैं आपसे बात करूँगा, कुछ लोगों की अलग अलग प्रकार के विचार है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। पहली बात, फंडामेंटली हमें समझना है कि सरकार के एक पास प्रॉब्लम है कि सरकार को पैसा चाहिए अपनी डे टू डे रनिंग के लिए, रोज मूव करने के लिए, और सो कॉल्ड डेवलपमेंट, चाहे उसको मेडिकल, सड़क बना लीजिए, पुल बना लीजिए वगैरह वगैरह के लिए सरकार को पैसा चाहिए। ये पैसा सरकार को देगा कौन? ये पैसा सरकार को हम देंगे, क्योंकि सरकार के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसे आप संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं। वो हमसे टैक्स ले सकती है, कितना? अपनी आमदनी से, हमेशा सॉरी जितने खर्चे से कम देगी, भाई इतनी बात है, बाकी वो हमसे ले सकती है। हम सरकार पर कहेंगे ये टैक्स गलत है, वो टैक्स गलत है, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन पहले हमको देना है। हम भारत के नागरिक हैं और हमारा ही फर्ज बनता है सरकार को पैसा देना। अब इस पूरे में प्रॉब्लम दो है। पहली प्रॉब्लम तो है कि हम इतना अधिक टैक्स देते हैं फिर भी सरकार के पास टैक्स नहीं पहुंचता। दूसरी, सरकार उसी टैक्स को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती। ये दो हमारी परेशानियां हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हमने देना है टैक्स। इन दो बातों को माइंड में रखिए और आगे की बातें समझिए। अभी क्या है, स्पेशली बिजनेसमैन, उनके लिए ये नया जीएसटी लागू हुआ। कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं इससे, उनका कहना है कि सिंगल टैक्स हो गया है, कई टैक्सेस खत्म हो गए, उसकी जगह एक टैक्स सबमिट करना है, हम ये काम कर देंगे, रिटर्न सबमिट करनी है, हमको इनपुट का क्रेडिट मिल जाता है वगैरह वगैरह, ये कुछ लोग खुश हैं इससे। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे खुश नहीं हैं, जो शायद आज से पहले टैक्स ब्रैकेट में नहीं थे, वो लोग इसमें आ गए, तो वो लोग अनहैप्पी हैं। दूसरा, वो लोग जिनको लगता है कि हर ये तीसरे महीने छठे महीने मेरे को दोबारा रिटर्न बनानी पड़ेगी, बार बार अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है, तो ये मिक्स रिस्पॉन्सेस है। सरकार के लोग ये कहेंगे कि हमने 70 सालों में पहली बार ऐसा किया, और विपक्ष कहेगा लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। ये तो राजनीति का काम है, लोकतंत्र में ये होता रहेगा, पर हम इसको कुछ और फॉर्म से समझने की कोशिश की। ज्यादातर हैप्पी अनहैप्पी का सवाल लोगों को टैक्सेशन के स्ट्रक्चर पर है, कौन 5% पे है, कौन 12 पे है, कौन 22 पे है, कौन 27 वगैरह वगैरह के ऊपर। लेकिन मैं आज आपसे बात करने आया हूं इससे एक बड़ी बात, 5, 12, 27 की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, कुछ भी होने दीजिए, उससे बड़ी बात कर रहा हूं। बाद में हम इस रेट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ और बड़ी बात समझिए। अब एक बात समझिए कि बिजनेसमैन जो है, हमारा कर्ता क्या है, उसमें कौन लोग खुश हैं। जो लोग खुश हैं उनका सबसे बड़ा कारण है इजी ड्यू टू सिंगल टैक्स, काम आसान हो गया। और जो लोग परेशान हैं उसका कारण है मेंटेनिंग अकाउंट्स, स्टॉक्स एटसेट्रा हमें बनाना पड़ेगा, सर ये हमारी परेशानी है, एक्स्ट्रा काम हमारे ऊपर लग गया। और जो लोग अभी टैक्स ब्रैकेट में नहीं है वो आ गए, फिर उनका सवाल है कि इसके बाद बाकी इनकम टैक्स, ये वो दुनिया भर का, हम कहां तक इस चीज को संभालें। ये हैप्पी और अनहैप्पी लोगों की बात है, ये कारण जो मूलभूत से लोगों के द्वारा दिए गए, मैं उस पर बात करूंगा। अब मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा कि असल में बिजनेसमैन करता क्या है। सबसे पहले एक बात समझिए कि बिजनेसमैन इस देश के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट करके सरकार को फॉरेन मनी दिलवाता है, एम्प्लॉयमेंट दिलवाता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, बिजनेस करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, इकोनॉमी को बूस्ट एक बिजनेसमैन करता है। सीधी सी बात यह है, सरकार इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकती है, बिजनेसमैन करता है, पैसे को घुमाता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से फंडामेंटली उसको जो टैक्स देना चाहिए वो अपनी इनकम के ऊपर या ग्रॉस या नेट प्रॉफिट के ऊपर उसका टैक्स बनता है, जो होना चाहिए सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि बाकी सारा टैक्स ही इज सपोज टू चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर, उसको कंज्यूमर से लेना है। तो असल में वो एक कंज्यूमर से, उपभोक्ता से पैसे लेकर सरकार के खजाने में जमा करता है, ये उसको इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो। और वो पैसा किसके पास जा रहा है?
सरकार को दे रहा, लेकिन कहां से? एक उपभोक्ता की जेब से निकाल करके पैसा वहां देना उसका काम। अब इस पूरे के दौरान कर क्या रहा है वो सरकार के लिए कलेक्टिंग एजेंसी बन गया है। आप इनकम टैक्स जमा करने पर जाइए तो आप स्वयं इनकम टैक्स जमा करते हैं, एक ऑफिस सरकार का बैठा हुआ है वो आपसे इनकम टैक्स का पैसा ले लेता है। लेकिन यहां पर क्या है, उस इनकम टैक्स के टैक्स कलेक्टर की ड्यूटी नहीं है कि वो मेरे घर आके मुझसे टैक्स ले, लेकिन एक बिजनेसमैन एक कंज्यूमर से अपने बिजनेस की जगह के ऊपर टैक्स कलेक्ट करता है और सरकार को देता है। मैं इस समय आपके इनपुट क्रेडिट की उसकी बात नहीं कर रहा कि आधा मिल गया आधा मिल गया, लास्ट में तो आप एक ही काम करते हैं ना, जितना भी नेट टैक्स बचा वो सरकार को देना है, कहां से? कंज्यूमर से लेके, ये स्टेट का सेंट्रल का ये सब आपस की बात है, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली वो एक कलेक्टिंग एजेंसी बन के काम कर रहा है, मैंने सरकार का काम कर रहा है रेवेन्यू देने में। जबकि याद रखिएगा इसी के दौरान उसको साथ में अपना अकाउंट मेंटेन रखना है, मैंने दूसरों का पैसा लेकर सरकार को देना है, अपना धन लगाना है, अपना पैसा लगाना है, अपनी एनर्जी लगाना है, अपना सीए बिठाना है, अपना अकाउंट बनाना है, और वो सब करके लास्ट में कर क्या रहा है? उस पैसे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहा है, कर तो लास्ट में यही रहा है ना जी। मतलब अच्छा, इसमें दूसरी बात, गलती कुछ हो जाए, कई बार नियत नहीं भी होती, गलती भी हो जाए तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं मिलता, माने कल्प्रिट वो बनेगा उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। आप समझिए, सरकार का बिजनेसमैन काम करता है लेकिन सरकार के लिए वो कल्प्रिट बन सकता है, लेकिन सरकार उसको प्रोत्साहन नहीं दे सकती कि तुमने टैक्स जमा करके दे दिया मुझे। आज सरकार की रेवेन्यू को कितना पैसा आपको सेल्स टैक्स से आता था, एक्साइज से आता था, लेकिन वो जो 12-14% 15% लाखों करोड़ रुपया सरकार को मिला, सरकार ने जिस जिसने लाया उसको कुछ नहीं कहती है, वो सरकार कहती है ये तो हमारा राइट था हमने ले लिया, लेकिन लाने वाली एजेंसी अंत में कौन थी? वही बिजनेसमैन जो कंज्यूमर से लेकर आपको देता है। मतलब आप सरकार का काम करें, एजेंट की तरह काम करें, और गलती अगर आपसे हुई तो आप भुगते, नुकसान आप भुगते। ये एक अलग पहलू है परसेंटेज के अलावा। अब क्या इससे उपाय है? मैंने सारी बात, हां जी बिल्कुल, इससे आराम से उपाय है। आप टैक्स कलेक्टर जिस दिन नहीं रहेंगे, आपका टैक्स स्वयं कोई और तीसरी व्यक्ति कलेक्ट कर लेगा, तो आप स्वयं इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और यही मेरा कहना है, हम बजाय 5%, 12%, 17%, 29% जो भी परसेंटेज है, कौन सी आइटम किसके अंदर आ गई, क्या करना है जी, इनपुट क्रेडिट, मैं इसका एक अलग सोल्यूशन दे रहा हूं कि मान लीजिए मैं एक तीसरी एजेंसी बनाना चाहता हूं बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेसमैन से टैक्स कलेक्ट करे। कैसे कलेक्ट करे? सिर्फ बैंक के रास्ते से, सिंपल। और इसका पूरा रिसर्च किया हुआ, वर्षों का रिसर्च हुआ फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट इसके बीच में सेटिस्फाई हो चुके हैं, इकोनॉमिस्ट इसके बीच में सेटिस्फाई हो चुके हैं, सड़क का मजदूर इसमें सेटिस्फाई हो चुका है, दुकानदार इससे सेटिस्फाई हो गया है, कॉलेज के प्रोफेसर इससे सेटिस्फाई हो गए हैं, ठेकेदार इससे सेटिस्फाई हो गए हैं, मैंने ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हैव प्रूव्ड दिस इज अ गुड सिस्टम। मैं तो हालांकि बोलूंगा फुल प्रूफ है, लेकिन अगर आप फुल प्रूफ नहीं भी मानते, इट इज अ मच मच बेटर सिस्टम, क्योंकि आपका सारा काम हट जाता है। इसकी प्रपोजल है कुछ सिंपल चीजें, आप देख लीजिए। पहला है विदड्रॉवल ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम, सारा हटा दीजिए, मैंने आपको कोई खाता नहीं बनाना, सिर्फ एक काम करना है, जितनी सेल परचेज है उसको आपने बैंक के थ्रू करनी है, बस बैंक अपने आप पैसा काट लेगा। अब आप समझिए भाई साहब, आप कितने पैसे की बात करते हैं, आज 5%, 12%, 17%, 27% वगैरह की बात करते हैं ना, पेट्रोल पर इतने परसेंट टैक्स है वगैरह की आप बात करते हैं ना, परसेंटेज छोड़िए, 2% टैक्स, मैंने 100 रुपए आपके खाते में आया, 2 रुपए सरकार ने ले लिए या बैंक ने काट के सरकार को दिए, तो कलेक्टिंग एजेंसी बैंक है, अगर बैंक काटने में गलती करता है तो आप भुगतेंगे नहीं, याद रखिए। लेकिन इसमें छोटा सा आपको साथ में सात भारतीयों को भी देना पड़ेगा, उनका साथ क्या है कि आप कैश पर ट्रांजेक्शन नहीं है जितना पैसा, लेकिन कैश की आप सीमाएं पक्की कर लेंगे, आज आप 1,00,000 रुपए की ज्वेलरी कैश खरीदते हैं उसको आपने बंद करना है। इसके लिए सरकार को क्या करना है, सरकार अपने स्तर पर बड़े नोट बंद कर देगी ताकि आपकी कैश ट्रांजेक्शन ईज्ड आउट ना हो। बस आप देख लें, अमेरिका में $100 से बड़ा नोट नहीं है, लंदन में £50 से बड़ा नोट नहीं चलता, हमारे यहां 2000 का क्यों है?
जिन जिन देशों में बड़ी करेंसी है वहां करप्शन का रास्ते आसान है, और बहुत से और कारण है, उसको आप फिलहाल के लिए छोड़िए। व्यापारियों को मन में सिर्फ इतना करना है कि आप लोग मेरे भाइयों 50 बड़ी करेंसी के बड़ा काम सारा बैंकिंग से करें, डेबिट से करें, क्रेडिट से करें, जिससे मर्जी करें, और ट्रांजैक्शन जो आपने करनी है वो 2000 के अंदर से बड़ी ट्रांजैक्शन आपने नहीं करनी, उस तक आप कैश करिए, बस इतनी सी छोटी बात आपने करनी है। कुछ लोग समझते हैं सर जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, अरे 2000 रुपये आपको दे दिया मैंने एक ट्रांजैक्शन का, इसका मतलब सब्जी वाले, दुकान वाले, छोटे किराने वाले, उनके लिए परेशानी कोई नहीं है, गांव का किसान मुक्त हो गया, सब मुक्त हो गए, इससे आपके लिए फायदे ही फायदे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा जिस पर आप बात कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा अब आप टैक्स काटने वाले नहीं हैं, अपने आप बैंक काटेगा, बैंक की सिरदर्दी है, पेपर वर्क का आपका काम खत्म हो गया, आपको खाते नहीं बनाने हैं इस काम के लिए, अपने लिए तो बनाएंगे आप ना, अंदर खाते में तो आज भी आप सही सही खाता बनाते हैं, सरकार को दिखाने के लिए आपकी अलग किताब होती है, ये आप सब जानते हैं, मैं भी मानता हूं इतना आसान नहीं है बिजनेस करना। उसके बाद आपके पास जो समय बचेगा आप उसको ध्यान दीजिएगा, 30% मेरी व्यक्तिगत राय के लिहाज से 30% से अधिक समय आपका इन धंधों से बच सकता है, उस पैसे को आप बिजनेस में लगाओ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, नहीं उस पैसे को बिजनेस में लगाना, उस टाइम को बिजनेस में लगाना, तो आप एक काम और, अरे परिवार के साथ घूमो यार, आज हालते हैं बिजनेसमैन के घरों में चाहिए, बेटा पूछता बाप कब आएगा, पता लगा जी बिजनेसमैन है रात को लेट आएगा, अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, पत्नी को समय दो, घूमो फिरो यार, अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस को बढ़ाओ, हैप्पीनेस इंडेक्स अपने आप खुद बढ़ जाएगा आपका, कुछ समय परिवार के साथ लगाओगे, दोस्तों के साथ लगाओगे, आज है ही नहीं आज आपकी बिजनेसमैन की, अगर आप सही पूछे सोशल क्या लाइफ है, वो सब अपनी दुकान पर गल्ले पर या छोटी इंडस्ट्री वाला मालिक वही मिल जाता, और समय कुछ नहीं है। अब आप थोड़ा पैसा बचेगा, समय बचेगा, अपने आप यार उसको एंजॉय करो, आपकी अपनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी यार जब इस टाइप की लाइफ आप जिएंगे। उसके बाद इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, ये आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें क्या होगा, चीप फाइनेंस अवेलेबल होगा, क्योंकि देखो बैंक के पास जब पैसा आएगा तो बैंक आपको, बैंक हमने 2% का जो ये खर्चा है उसमें बैंक का भी खर्चा निकलता है, इस वजह से बैंक को अपने खर्चे को चलाने के लिए आपको 12-14-15% ब्याज नहीं देना, इसलिए बैंक आपको 3-4-5% पैसा दे देगा ब्याज में, आपको फाइनेंस आसानी से मिल गया। आज बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 15% पर पैसा लेता है, 20% पर पैसा लेता है, तो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी उसको बढ़ानी पड़ती है, अगर आपको पैसा ही 4% पे मिल जाएगा तो भैया क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाइए, बिजनेस कीजिए, धनाधन कीजिए, पूरे विश्व में ऐसे ही होता है। जो लोग ये कहेंगे कि बैंकों में पैसा घोटाला हो गया, मैं उसका उत्तर अगले वीडियो में आपको दूंगा, उसका आंसर क्या है, फिलहाल के लिए इतनी ही बात समझिए, अच्छा लगे संदेश औरों को दीजिए, सबको बताइए, पूरे देश का भला होना चाहिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, इसको सुनने के लिए धन्यवाद, आगे बढ़िए, थैंक यू।